प्रयागराज के मऊआइना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भाषण के दौरान प्रशासन व नेताओं में हुआ नोकझोंक। आपको बता दें कि मऊआइना नगर पंचायत नाटी मिली चौराहा पर जन समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर मिश्रा, एडवोकेट जिला सदस्य हरिश्चंद्र द्विवेदी, एडवोकेट प्रदेश कार्यकारिणी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मऊआइना से रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। किस तरह का प्रोग्राम आपने आज किया था? आज उत्तर प्रदेश किसान सभा की तरफ से बाकायदे SDM सोराव के यहाँ आवेदन करके एक जनसभा का परमिशन लिया गया था। हमारी सभा का आयोजन परमिशन जो प्राप्त हुई थी वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक की थी, इसलिए उसी के अनुसार परमिशन के अनुसार हमारी सभा चल रही थी। जब 2 बजने में अभी 10 मिनट बाकी था तो मऊआइना थाने के इंस्पेक्टर बाकायदे फोर्स के साथ आए और उन्होंने हमारी सभा को यहाँ डिस्टर्ब कर दिया, बिगड़ डाल दिया। मैं उस वक्त बोलना शुरू ही करने जा रहा था। 2 बजे आपको परमिशन मिला था? 2 बजे तक? 2 बजे तक हमारे बाकायदे परमिशन थी लिखित, जो मऊआइना पुलिस को भी दी गई है और प्रशासन के लोगों को भी पूरा वो परमिशन दे दी गई। प्रशासन से आपको कहाँ समस्या आ रही है? प्रशासन से समस्या ये आई कि अभी यहाँ CO ने आकर कहा कि SDM साहब का उनको फोन आ रहा था कि सभा को समाप्त करवा दो, और यहाँ के इंस्पेक्टर साहब अब हमको ये बताएंगे कि हम क्या बोलेंगे, जो एक्ट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पास हो चुका था। टाइम हो गया था का? टाइम नहीं हुआ था। हमको 10 मिनट पहले ही हमारी सभा को डिस्टर्ब कर दिया, रोक दिया, जो भी बिल्कुल अवैधानिक तरीका था यहाँ की पुलिस का, और यहाँ की पुलिस ने बिल्कुल अवैधानिक रूप से बाकायदे सभा को रोका, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हम इसकी लिखित शिकायत कल इलाहाबाद के जिलाधिकारी, इलाहाबाद के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को कल हम इसकी लिखित शिकायत भी देने जा रहे हैं। आपका परिचय? हरीश चंद्र द्विवेदी, CPIM।